हेलो गाइस, मेरा नाम यहया नवाब है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि JDK कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं और JDK में पाथ कैसे सेट करते हैं। सबसे पहले जब हम जावा के कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि पहला है JDK का सेटअप, हमें हमारे पास होना चाहिए जावा की कोई सी भी प्रोग्रामिंग करने के लिए। एक कमांड प्रम्प्ट होता है जो कि हमारे सिस्टम में इनबिल्ट होता है, और एक नोट पैड जो कि टेक्स्ट एडिटर होता है जिसमें हम जावा के प्रोग्राम को लिखते हैं। और पाथ, पाथ एक तरह का पाथ होता है जो हमें नोट पैड से और जावा की जो बिन होती है जहाँ जावा की लाइब्रेरीज होती हैं उससे हमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है, इसे हम पाथ कहते हैं। चलिए आइए हम सबसे पहले ये देखें कि हम JDK को कैसे और कहाँ से डाउनलोड करते हैं। सबसे पहले कोई सा भी ब्राउज़र ओपन करेंगे, उसमें सिंपली टाइप कर देंगे JDK और सर्च कर देंगे। जैसे ही हमारा सर्च कंप्लीट होता है पहला ऑप्शन आता है जिसमें कि ओरेकल लिखा हुआ होता है। हम JDK जब भी डाउनलोड करेंगे ओरेकल की साइट से, कहीं से भी डाउनलोड करेंगे तो ओरेकल की साइट से डाउनलोड करेंगे। JDK 1.8 जो कि JDK का न्यू वर्ज़न है और सबसे सूटेबल भी है, हमें इसी वर्ज़न को डाउनलोड करना है। मैं सलाह दूंगा आप भी इसी वर्ज़न को ही डाउनलोड करें। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये ओरेकल के डाउनलोडेड फॉर्म को डिस्प्ले कर देगा जिसमें बहुत सारी विंडोज़ से रिलेटेड JDK के वर्जन्स हैं। जैसे कि 1.8 है उसमें लिनक्स का भी है, मैक भी है, विंडोज़ भी है। तो सबसे पहले हम एक्सेप्ट करेंगे लाइसेंस को, JDK के जावा के लाइसेंस को। ये ओरेकल का लाइसेंस है एक्चुअली। अब इसमें ये हम देखेंगे हम कौन सा सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, कौन सा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं तो विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ। आप जो सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उससे रिलेटेड आप वर्जन यहाँ से JDK के डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ विंडोज़ के ऑप्शन में देखिएगा दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक विंडोज़ x86 और दूसरा विंडोज़ x64। तो ये क्या है, ये है आपका बिट 32 बिट और 64 बिट। अगर आपको नहीं पता है कि आप कौन सी बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप माय कंप्यूटर में जाके उसकी प्रॉपर्टी चेक करिएगा, आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे कि मेरा सिस्टम है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, x64 बेस्ड प्रोसेसर। तो मैं यहाँ डाउनलोड करूँगा x64 प्रोसेसर वाला JDK, ये लास्ट वाला। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। एक्चुअली मैं JDK को पहले से ही डाउनलोड कर चुका हूँ इसलिए मैं यहाँ से इसे कैंसिल करता हूँ। अब हम JDK को कैसे इंस्टॉल करते हैं ये बताता हूँ। अगर हमारा डाउनलोड कंप्लीट हो जाता है तो, या तो आपने अगर पाथ चेंज नहीं किया है तो डाउनलोड डाउनलोड में आता है, लेकिन मैं JDK को अपने सॉफ्टवेयर में स्टोर करके रखा हूँ। ये है मेरा JDK, ये 1.7 है और ये JDK 1.8 है। तो यहाँ हम JDK 1.8 की बात कर रहे हैं। इसमें जैसे ही डबल टैप करेंगे तो इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। मैं इसे इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं इसे इंस्टॉल कर चुका हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ इस पर पाथ कैसे सेट करते हैं। जब हम JDK डाउनलोड कर लेते हैं और इंस्टॉल कर लेते हैं तो हमें प्रोग्राम करने के लिए उसके पाथ की ज़रूरत पड़ती है। पाथ हमें प्रोवाइड कराता है जहाँ हम स्टोर करते हैं अपना प्रोजेक्ट या जहाँ अपना प्रोग्राम हम स्टोर करते हैं, उस प्रोग्राम को रन कराने के लिए एक रास्ता चाहिए होता है जिसे हम पाथ कहते हैं। चलिए हम पाथ की बात करते हैं। तो अगर पाथ सेट करना है तो सबसे पहले आप अपने सिस्टम का पाथ चेक करेंगे कमांड से। सिंपली कमांड यहाँ टाइप करके आप सर्च करेंगे तो आपका कमांड प्रम्प्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ आप टाइप करिए पाथ और इंटर करेंगे तो आपके सिस्टम का पूरा पाथ आ जाएगा। ये देखिए, प्रोग्राम डाटा ओरेकल जावा जावा पाथ सी, ये देखिए यहाँ इतना, ये जो जावा का पाथ है ये यहाँ से हट जाएगा और यहाँ से ये जावा का पाथ हट जाएगा। बाकी जितना पाथ होगा वो आपके सिस्टम में शो होगा। पाथ कैसे सेट करते हैं? पाथ सेट करने के लिए दो तरीके होते हैं।
या तो आप यहीं पे सेट पाथ कर सकते हैं, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, आप परमानेंटली पाथ सेट करना चाहते हैं, तो आप जहां आपका JDK इंस्टॉल है, मेरा JDK C में है, आपका जहां भी JDK इंस्टॉल है वहां जाइए, उसके बिन में जाइए और बिन की जितनी भी यहाँ ये देखिए जहाँ मेरा ब्लू कलर का शो हो रहा है, इस पाथ को कॉपी कर लीजिए। अब इस पाथ को आपने कॉपी कर लिया है तो इस पाथ को आप परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टी में जाइए और वहाँ ये देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, सबसे नीचे में लिखा है एडवांस सिस्टम सेटिंग। एडवांस सिस्टम सेटिंग में आप जैसे ही ओपन करेंगे, सबसे नीचे में आएगा इन्वायरमेंट वेरिएबल। इन्वायरमेंट वेरिएबल में ओके करेंगे तो यहाँ दो टैब आ जाएंगे, दो ऑप्शन आ जाएंगे, जिसके अंदर मल्टीपल्स लिस्ट के रूप में कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं जो कि पाथ ही सेट है। हमें सिस्टम वेरिएबल्स में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, अगर आप इसमें कुछ छेड़छाड़ या बदलाव करते हैं तो आपका सिस्टम बंद भी हो सकता है। हम यहाँ पाथ सेट करेंगे यूजर वेरिएबल्स में, तो आपको पाथ सेट करने के लिए न्यू में क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ सिंपली टाइप कर दीजिए पाथ, स्मॉल लेटर में यहाँ टाइप करिएगा पाथ, और आपने जो वहाँ से कॉपी किया था उसे यहाँ पेस्ट कर दीजिए। आप ओके करेंगे तो ये पाथ ऑलरेडी वहाँ सेव हो जाएगा। मैं पहले से ही पाथ सेट कर चुका हूँ इसलिए मैं यहाँ ओके नहीं करता हूँ, पर आप ओके कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से ओके करेंगे, फिर यहाँ ओके करेंगे, अब आप कमांड में जाके अपना पाथ चेक करेंगे तो आपका पाथ ये शो होगा। फिर से मैं पाथ बताता हूँ, आप कमांड में जाके सिंपली पाथ डालेंगे तो आपका पाथ ये शो होगा जो यहाँ से लेके यहाँ तक है। ये थी पाथ तक की बात। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जावा का प्रोग्राम कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे कंपाइल करते हैं, कैसे रन करते हैं। तब तक के लिए आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।